ये है बर्मी अजगर, आप देख सकते हैं काफ़ी मोटा है और काफ़ी बड़ा भी। ये इमू है और आप देख सकते हैं बिल्कुल नज़दीक से, ये घूमना आया था और मिलना आया था ये हमसे। गुड आफ्टरनून दोस्तों, अमित राजपूत ब्लॉग्स में आपका स्वागत है और आज आया हूँ मैं घूमने। देखिए आप देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कहाँ आया हूँगा देहरादून में, फिर भी आपको बता दूँ मैं आया हूँ जू में, देहरादून जू में आया हूँ। और चलिए हम आपको दिखाते हैं जू के अंदर कौन कौन से पशु पक्षी हैं, तो बने रहिए वीडियो में दोस्तों, हम दिखाते हैं जू में आपको क्या क्या चीज़ है। फाइनली राठौर आ चुका है, राठौर फाइनली टिकट मिल गया। हाँ जी फाइनली मिल ही गया। कितना का टाइम लगा टिकट मिलने में? अरे टिकट मिलने में लगभग होगी 15 से 20 मिनट होगी। और ये टिकट बोले का एक बंदे का 90 रुपए है, मतलब हम कहीं भी घूम सकते हैं। हाँ तो राठौर जी अब आ चुके हैं, टिकट लेके जरा एंट्री कर रहे हैं, राठौर जी अपना ब्लॉग संभालेंगे, म्यूजिक बजाया जाए। लो जी तो हम आ चुके हैं जू के अंदर और अब हम आपको यहाँ जू में दिखाते हैं जीव जंतु, तो ब्लॉग में बने रहिएगा और अब हम अंदर चलते हैं, तो बने रहिएगा आपको हम दिखाते हैं नए से नए जानवर जो भी जू में हैं, दिखाते हैं सभी। तो दोस्तों हम चल दिए अपने जू वाले सफ़र में और अभी तो चल ही रहे हैं, देखते हैं आगे क्या क्या है। तो दोस्तों देखो यहाँ तोते हैं और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे तोते बैठे हुए हैं और इधर भी तोते ही हैं और हम चलते हैं आगे, आगे देखते हैं क्या चीज़ है। एक्चुअली जो जानवर हम लोग देखने जा रहे हैं वो जानवर हमारे अंदर ही है, सांप हो गया, मगरमच्छ, शेर, चीता, भालू, सब हमारे अंदर है। हम अपने आप का एक अलग रूप देखने जा रहे हैं, वर्जन। तो बस वही देखने आए हम। हम ऐसे अपने आप को भी देख सकते थे लेकिन हम अंदर झांक नहीं पा रहे अपने, पर अपने अंदर नहीं आए इनको, क्योंकि हर आदमी अपने अंदर नहीं झांक सकता इसलिए। तो दोस्तों अभी हम रास्ते में ही चले जा रहे हैं और रास्ता काफ़ी हरा भरा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, हरा भरा जंगल आप मेरे पीछे भी देख सकते हो। और क्या अरे अरविंद भाई ड्रोन लेने की कह रहे हैं, भगवान इनके मुंह में घी शक्कर दे, ड्रोन जल्दी लें। और देखिए हरे भरे जू का मज़ा उठाइए और जैसे ही कोई जानवर बढ़िया सा, अच्छा सा, कुछ प्यारा सा दिखाई देगा हम आपको रूबरू कराएंगे। एकदम मस्त शुतुरमुर्ग, तो देखिए कितना नज़दीक आया हुआ है, आप देख सकते हैं ये है इमू, ये इमू है और आप देख सकते हैं बिल्कुल नज़दीक से, ये घूमना आया था और मिलना आया था ये हमसे। तो वीडियो में बने रहिए अभी हम और भी दिखाते हैं। तो दोस्तों हम आए हैं हिमालयन वल्चर के पास और ये देखिए ये तीन बैठे हुए हैं और ये तो आप देख रहे होंगे एकदम मूवमेंट कर रहे हैं। और अब हम चलते हैं दोस्तों, ये तो घड़ियाल है और हम दिखाते हैं मगरमच्छ। तो दोस्तों ये है मगरमच्छ और देखिए वो जा रहा है पानी के अंदर और देखिए वो पानी में चला गया। और इधर जो है ये मगरमच्छ है और उधर जो अभी दिखाया था वो घड़ियाल था। और आगे भी दिखाते हैं सांप हो या और क्या चीज़ देखते हैं, तो वीडियो में बने रहिए हम। तो इधर है कछुए और ये हैं कछुए के बच्चे और उधर भी बड़े कछुए हैं और इधर ये अलग अलग कलर के बड़े बड़े कछुए हैं और पानी में भी हैं। दोस्तों हम सांप देखने अब अंदर जा रहे हैं तो यहाँ पे एक से एक स्नेक मिलेगा, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं सांप। तो दोस्तों ये है रॉक पाइथन और
ये तो फोटो था, ये कितने आराम से सो रहा है यहाँ पर, ये देखिए, ये है रॉक पाइथन। और आगे अभी और सांप भी दिखाते हैं दोस्तों। ये है बर्मी अजगर, आप देख सकते हैं काफ़ी मोटा है और काफ़ी बड़ा भी। तो अभी और दिखाते हैं दोस्तों। ये है रसेल सांप, और अंदर रसेल सांप है ये यहाँ पर छुपा हुआ है, देख सकते हैं आप। तो अभी और सांप भी हैं, तो हम दिखाते हैं आपको नए सांप। और एक यहाँ भी छिपा हुआ है, ये भी छिपा हुआ है। तो वीडियो बने रहिए, और सांप दिखाते हैं हम आप। और दोस्तों एक सांप ये भी है, और दोस्तों ये है भारतीय नाग, जिसे इंडियन कोबरा भी कहा जाता है। और देखिए इसकी छोटी सी गर्दनी है, बाहर धूप सेक रही है। और काफ़ी तरह के यहाँ पे सांप हैं। ये है कॉमन क्रेन, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये आराम कर रहे हैं और धूप सेक रहे हैं। ये है रेटिकुलेट पाइथन, और ये यहाँ पर आराम कर रहा है, देखिए आप कितने आराम से सो रहा है, काफ़ी मज़े में है। यह है बाल पाइथन, और ये इधर यहाँ बैठा है आराम से, देखिए एकदम वाइट और येलो कलर का है दोस्तों। यह है वाइन स्नेक, और ये यहाँ पर पेड़ पर है, शायद आपको दिख रहा होगा, तो ऊपर ग्रीन ही है तो इसलिए शायद नहीं भी दिख रहा होगा। और ये धामण स्नेक, और ये इसके अंदर बैठा हुआ है, और एक उधर है कोने में, और एक इधर भी है, ये इसके अंदर भी है। तो यहाँ पर इगुआना सांप लिखा हुआ तो है, शायद वो कहीं टूर पे घूमने गया है, यहाँ पर तो दिखाई नहीं दे रहा, तो आज वो शायद छुट्टी पर रहेगा दोस्तों। अभी हमने आपको सांप दिखाए, अब चलते हैं मछलियों की तरफ। इधर देखते हैं ये ब्लॉग बनवाएंगे कि नहीं, बाकी हम आपको दिखाते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। और दोस्तों हम अंदर आ गए हैं, तो यहाँ पर रंग बिरंगी मछलियाँ हैं, और इधर से इनका पानी आ रहा है। ये अकेली मछली एक साइड है, लगता है इसकी किसी से लड़ाई हो रखी है, इसलिए ये अपने इन साथियों से अलग है। और मछली दिखाते हैं दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। दोस्तों ये देखिए कछुए, ये छोटे कछुए हैं, छोटे छोटे कछुए मगर काफ़ी सारे हैं। तो अब हम दिखाते हैं आपको मछलियाँ ही मछलियाँ। दोस्तों हमने देख ली मछली सांप, और अब चलते हैं शेर और चीतों की तरफ। तो बने रहिए, हम आपको दिखाएंगे शेर और चीते। इधर देखिए दोस्तों, इधर हिरन, देखिए आपको दिख रहा होगा हिरन खड़ा है वो, ये देखिए ये दो खड़े हैं यहाँ पर, ये देखिए इधर भी हैं ये, और उधर भी थे। अभी और भी दिखाते हैं और क्या क्या चीज़ें, लियोपार्ड, अब देखते हैं ये दिखाई देता है वो बैठा सामने देख। तो दोस्तों जू में हमने जो जो चीज़ दिखाई बस फिलहाल यही थी। तो अगर हमारा ब्लॉग और ये पशु पक्षी अच्छे लगे हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।